वंदे मातरम आप सभी को, वेलकम टू माय स्टडी पाथ चैनल। आज के लेक्चर में मैं बोर्ड मार्क्स का इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि कैसे यह कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि रिड्यूस स्टेप को कितना तेज़ी से रिड्यूस करना, ठीक है। उसके लिए हम इसको एनालाइज करेंगे कि किस स्टेप को तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम तुरंत कर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, इसकी हम पूरे एक स्टेप में फिनिश कर सकते हैं। आइए हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। 7%, ठीक है, 47 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग दिया तो कितना आया, 7.5, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कोई साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। प्लस 13 × 39 × 10 प्लस, तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9.4 ऑफ 23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि और कहाँ से स्टेप को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप को रिड्यूस करेंगे, ऑफ को भी एक बार तुरंत सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। फिर अगेन हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप बने रहिए। 47 × 2, यहाँ पे ये 15 होगा, 15 × 7 = 105, 10 × 5 = 60, 705 प्लस 30 प्लस 9.4 × 23, इसको करेंगे तो आएगा 216.2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको एडिशन जोड़ देंगे, जोड़ने पे ये आया 0.2 6 5 11 2 3 5, सही है, 7 2 9। अब बस इसका हम डायरेक्टली 7%। अब देखिए इस बोर्ड मार्क्स में क्या, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मर्ज हो के रेलवे ग्रुप बी एसएससी बहुत सारे अदर एग्जाम में बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन लॉन्ग होता है और हमारे टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए उनकी वो ऐसे तरह से पेपर सेट करते हैं कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा उलझे, और हमें क्या होना चलाके इस स्टेप को, इस बैरियर को क्लियर करना होता है, ठीक है। 9.51.2, अब हम इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। हम गुणा करके देख लेंगे, 12 × 7 = 84, ठीक है, 12 × 7 = 84, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 63, 7 × 3 = 66, 66 × 66, अब ये है 100, मतलब कि 3 इंसान को रिप्लेस कर दो, इज द फाइनल आंसर। सामने एक नया क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन इसमें सही होगा, आइए इसको करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर ये कर लेंगे, ठीक है। अब ये मेरे सामने सिंपल कैलकुलेशन है, 70 × 15 × 105, ये गया 490, ये प्लस, अब इसको किया 11 का क्यूब होता है वो 1331, इट मीन्स ये 21 आ जाएगा, 47 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना कुछ इतना आ गया, ठीक, 1248, ठीक है। एडिशन है सिंपल सा, 8 8 16 5 6 8 7, 7 9 8 17 7 4 11, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे, ये देखिए 1/26 है, इसमें 1/2, अब ये दो का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या आ गया, 7 ये 94 आ गया, 4 2 8, यहाँ पे गुणा है, गुणा, ठीक है, ये परसेंटेज का होता है 1/100, इट मीन्स 200 कट गया 100, तो मतलब ये इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 44 4 11 99 3 10 11 88 88 10 88 88 हो गया ना, हाँ 88 वहाँ पर चला गया, 9 8 3 8 4, और ये सुनना, इट मीन्स इसके बटे 9 8 3 4 0, इट मीन्स 9 7 63, हाँ ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हम स्टेप को रिड्यूस करें जल्दी से जल्दी, ताकि हमारा रिजल्ट बहुत ही कम समय में आ जाए, ठीक है। अब इसको 27 3 30 30 3 39, मतलब ये 39/1.3, मतलब ये आ जाएगा 30, ठीक है, ओके। यहाँ पे इसको हम पूरे तरह से ऑपरेट कर देंगे, 27 3 81 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा 0.33 लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना रहेंगे, इसका मतलब गुणा हो जाता है, इसका मतलब ये कट गया, यहाँ पे डायरेक्टली 30 आ गया। अब इसको देखिए, ये 7 का घन है, मतलब क्यूब है, मतलब ये फाइनली 49 आ जाएगा। अब इसमें फिर इसके साथ से कर देंगे, और ये देखिए यहाँ पे पॉइंट, इसका मतलब ये 490 है, फिर 7 मतलब ये आएगा 7, इसको जोड़ेंगे तो ये 100 हो गया,
ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं 30/81। अब यहाँ पे हम अगर भाग देंगे मतलब 27/10, अब हम इसका आएगा 27 81 90, इट मीन्स 27 7 189, 189 हाँ इट मीन्स 0.37 जोड़ लेंगे, 7 3 2 3 6 1 7 मतलब 100.70 इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।